लेटस डिस्कस के जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली दो चीजों को मिलकर बनता है एक था ऑप्शनैलिटी और एक था कार्डनैलिटी हमने भी उसको डिस्कस भी किया है तो अभी हम ये देखते हैं कि ऑप्शनैलिटी को थोड़ा डिटेल uh, में डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट विद्प ऑफ एक्साम्पल इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करना बहुत जरूरी है और जब मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ तो आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी सीना अभी हम जेनेरिक चीजें बात कर रहे हैं अभी हम कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल या स्पेसिफिक नैरियो की बात नहीं कर रहे अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं नाउ कमिंग बैक ऑप्शनलिटी का बेसिकली मतलब यह है कि हमारे पास अगर दो टेबल हैं एक पेरेंट टेबल है एक चाइल्ड टेबल है तो ऑप्शनलिटी पेरेंट टेबल के अगेंस्ट वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो चाइल्ड टेबल में आ सकते हैं इसे मुराद ये है कि अगर पेरेंट टेबल में एक रिकॉर्ड वन पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल तो चाइल्ड टेबल में क्या उसके अगेंस्ट एक रिकॉर्ड आ सकता है या कोई नहीं आएगा दैट मीन के ऑप्शनैलिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच अ चाइल्ड टेबल कैन कॉन्टेन इन द चाइल्ड टेबल अपर अपर रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल इट कैन इधर बी जीरो और वन तो मिनिमम रिकॉर्ड या तो जीरो होंगे या वन होगा तो ये बेसिकली ऑप्शनैलिटी होती है अब दूसरा स्टेप ये कि हमने ऑप्शनलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है जो नोटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अक्रोफर्ड नोटेशन उसके अंदर ऑप्शनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन आइदर यूज अ डॉटेड लाइन और अ सॉलिड लाइन बट नॉट द बोथ तो ऑप्शनलिटी या तो डॉटेड होगी या सॉलिड होगी दोनों नहीं हो सकती सॉलिड से मुराद यह है कि 1 डॉटेड से मुराद यह है 0 तो या तो ऑप्शनलिटी एंटिटी ए से एंटिटी बी की जीरो होगी या ऑप्शनलिटी एंटिटी ए से एंटिटी बी की वन होगी इट कैन नॉट बी बोथ यानी ये नहीं हो सकता कि जीरो भी हो और वन भी हो ये बेसिकली इस अब भी कि ये, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है इट कैन बी इधर जीरो और इट कैन बी वन बट नॉट द बोथ अब तो अब हम ये इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम डिस्कस करते हैं जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो अब बेसिकली देखें हमारे पास यहां पे दो एंटिटीज हैं एक क्वांटिटी ए है और एक एंटिटी बी है तो अब रिलेशनशिप को ड्रॉ करने का बेसिक रूल वही है कि इट हैज टू बी बाई डायरेक्शनल एक रिलेशनशिप जो है मतलब उसका जो ऑप्शनैलिटी का कॉम्पोनेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक होगा फ्रॉम ए टू बी और दूसरा होगा फ्रॉम बी टू ए इससे मुराद यह कि बेसिकली हमने ऑप्शनलिटी को भी ड्राइव करने के लिए दो चीजें फाइंड आउट करनी है एक ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम ए टू बी और दूसरी ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए द मोमेंट वी विल फाइनलाइज दीज टू आर ऑप्शनिटी कॉम्पोनेंट विल बी डन तो अब बेसिकली मैं ऑप्शनलिटी को ड्रॉ करता हूं फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू देन इट विल मेक योर लाइफ इजी तो जो बी से अब ये हाफ लाइन है और ए की हाफ लाइन है तो जो ए से बी वाला कॉम्पोनेंट है वो जो ये ये मिडल में मैंने ये लाइन ड्रॉ की है इससे पहले पहले जो भी डॉटेड लाइन लिखी हुई है ये ऑप्शनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्रॉम ए टू बी है और जो ये जो सॉलिड लाइन है जो बी से ओरिजिनेट कर रही है और मिडिल तक आ रही है यह ऑप्शनैलिटी है बी टू ए तो जो ए, टू बी ऑप्शनलिटी है वो बेसिकली डॉटेड है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है और जो ऑप्शनलिटी बी से ए है इट इज सॉलिड तो ये दोनों ऑप्शनलिटी के कॉम्पोनेंट यानी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू एपरेटली हम लोग ने हमेशा इस्टैब्लिश करने होते हैं और इस्टैब्लिश करने के बाद वेन फाइनलाइज दीज टू ऑप्शनिटीजनैलिटी कभी भी रिलेशनशिप की एक नहीं हुआ करती ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो ऑप्शनैलिटी है वो वो किसी भी रिलेशनशिप की दो होती है यानी फ्रॉम एक होती है फ्रॉम एंटीटी ए टू एंटीटी बी और दूसरी होती है फ्रॉम एंटीटी बी टू एंटीटी ए तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं बेसिकली कि जो ऑप्शनिटी फ्रॉम ए टू बी है इट इज बेसिकली जीरो जीरो से मुराद ये है कि जो एंटिटी ए है उसके एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एंटिटी बी में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा ये बेसिकली ऑप्शनैलिटी का मतलब है इसका मतलब यह है कि जब फॉर एग्जाम्पल जो ए टेबल है इधर इट इज अ पेरेंट और अ चाइल्ड इट ड मैटर क्योंकि अभी हमने बेसिकली ऑप्शनलिटी को देख रहे हैं तो जो टेबल ए है उसके एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एंटिटी बी में हमारे इस केस में फ्रॉम ए टू बी अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा या नहीं आ सकता अब जो ऑप्शनिटी फ्रॉम बी टू ए है इट इज सॉलिड लाइन तो इट इज बेसिकली इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग के टेबल बी के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल ए में सिर्फ वन रिकॉर्ड ही आएगा और ये मैक्सिमम है यानी जिससे मैंने आपको भी बताया था कि जो ऑप्शनलिटी है वो या जीरो होगी या वन होगी तो व्हाट वी कैन से के जो एंटिटी ए है उसके अगेंस्ट एंटिटी बी में मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जीरो है क्योंकि दिस इज इज के वी हैव टू एस्टेब्लिश द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड विच कैन एग्जिस्ट इन एनी अदर टेबल अगेंस्ट अ पेरेंट टेबल तो अगर हमारे केस में जो एंटिटी ए है वो अगर पेरेंट टेबल है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम ए टू बी है दैट इज जीरो मीन के टेबल जो ए है उसके एक रेकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल बी में कोई रेकॉर्ड नहीं भी आ सकता mean, जो, जो foreign key अगर हमने बनाई है तो फॉरन की के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट टेबल के तमाम रिकॉर्ड को रेफर करे ये बेसिकली ये बता रहा है और जो हमारी ऑप्शनलिटी फ्रॉम बी टू ए है इट इज सेम के जो मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड टेबल बी के है एज पर टेबल ए दैट इज वन मीन अगर जो टेबल बी है उसका अगर एक रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल तो टेबल ए में भी उसका रिकॉर्ड एक ही होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम बी टू ए इज वन एंड मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम ए टू बी इज जीरो तो दिस इज बेसिकली वॉट एंड ऑप्शनैलिटी इज तो जब हम ए टू बी और बी टू ए को स्टेब्लिश कर लेंगे तो हमारी ये ऑप्शनैलिटी का कॉम्पोनेंट खत्म हो गया और ये बेसिकली ऑप्शनैलिटी है इसको हम आगे हम किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इसको रेफर करेंगे